हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है। एक बार सारे बच्चे जल्दी से वीडियो के लिंक को फटाफट शेयर कर दीजिए, और जितने भी बच्चे अभी क्लास में प्रेजेंट हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज हम मेरा नाम वर्षा सिंह है, मैं आपकी GAGS की मेंटर हूँ। आज हम क्वेश्चन करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के क्विज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कितना आप कर पाते हैं, कितना आप लोगों को पता है। ये आपके हर एक अपकमिंग एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चाहे आपके SSC CGL का हो, CHSL का एग्जाम हो, या फिर रेलवे का एग्जाम हो, ठीक है। ये टेलीग्राम का चैनल है GA/GSY वर्षा सिंह। तो सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको क्लासेस के अपडेट एंड नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगर आप लोगों ने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बिना किसी देरी के। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। सब्सक्रिप्शन बिना किसी देरी के सभी लोग, क्योंकि आप जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन में डिले करोगे उतना ही ज्यादा आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में डिले होगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले, और सब्सक्रिप्शन जब भी ले 1 या 2 साल का ही प्लान ले, क्योंकि जो 1 या 2 साल का प्लान है वो आपको बाकी प्लान के कंपैरिजन में सस्ता पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप लोग भी जानते हैं कि आपको इतना टाइम लगता है तैयारी करने में, और जो SSC का प्रोसीजर है वो भी थोड़ा लंबा है। तो इसलिए आप 1 या 2 साल का प्लान लीजिए और कोड मेरा यूज करिए वर्षा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। आज का डाउट मैं अनअकैडमी, आपके जो भी डाउट है आप अनअकैडमी ऐप पे जाकर के डाउट एंड सॉल्यूशन में जाके अपने डाउट की क्लियर इमेज को पोस्ट कर दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन कुछ टाइम बाद मिल जाएगा। रेज हैंड, जिस प्रकार आप ऑफलाइन में अपने टीचर से बात करते हैं उसी प्रकार आप यहाँ पे भी अपने टीचर से बात कर पाएंगे, आपके जो भी डाउट है आप उनसे पूछ पाएंगे, उनसे डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी फीचर्स आपको दिए जाते हैं एटलीस्ट आप उसका यूज करें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप किसी भी फीचर का खुद ही यूज नहीं करते हो, ठीक है। तो इसलिए सारे फीचर का यूज किया करो। तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्विज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी SSC और रेलवे एग्जाम के लिए है ये। सुमन हेलो, जिम सोल, बस जिम सोल तो तुम 2 महीने बाद नौकरी लगा लो, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड स्वदेश बांधव समिति, निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। ऑप्शन ए अश्विनी कुमार दत्ता, ऑप्शन बी नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, ऑप्शन सी भगत जतीन, या ऑप्शन डी भाभा भूषण मित्रा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो मोनिका फर्नांडिस का आंसर है बी। और बच्चे जल्दी से जवाब दो। और ब्रजेंद्र ठाकर का आंसर है ए। ब्रजेंद्र ठाकुर, आपका आंसर बिल्कुल सही है, अश्विनी कुमार दत्ता इज द करेक्ट आंसर। अश्विनी कुमार दत्ता ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी 1905 में। कब की थी इसकी स्थापना? 1905 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी, जो इसका एम था, बेसिकली इसका एम क्या था, इसको स्थापित करने का मेन जो रीजन था वो क्या था, कि हम प्रमोट कर सके, प्रमोट द कंजप्शन ऑफ इंडिजीनियस आइटम, कंजम्पशन ऑफ इंडिजीनियस आइटम, यानी कि आप स्वदेशी चीजों को अपनाएं, ठीक है, और बॉयकॉट करें ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट को, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड, ठीक है। तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने 1905 में की थी, और ये स्थापना इसलिए की गई थी ताकि आप जितने भी भारतीय हैं आप स्वदेशी चीजों को अपना करके विदेशी आइटम को बॉयकॉट करें। तो बी ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर्मड इन कलकत्ता बाय होम अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया। ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी द्वारकानाथ टैगोर, या ऑप्शन डी प्रसन्नो कुमार टैगोर। बताइए। तो रिया राजपूत का आंसर है सी, मोनिका का ए, दीपक का सी, ब्रजेंद्र का ए, क्रिस्टोफर का बी। क्रिस्टोफर, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इज द करेक्ट आंसर। जो आपका इंडियन नेशनल एसोसिएशन था उसकी स्थापना July 2, 1876 में की गई थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी अलोंग विद आनंद मोहन बोस,
और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन दोनों ने मिलकर के 2 जुलाई 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, जो कि बाद में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से मर्ज हो गया था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये बाद में जाकर के 1885 में मर्ज हो गया, और वैसे इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑन द सजेशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर द डेट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल अक्टूबर 16, 1905 वॉज सेलिब्रेटेड एज। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल के विभाजन की तिथि 16 अक्टूबर 1905 डैश के रूप में मनाई गई। ऑप्शन ए राखी बंधन डे, ऑप्शन बी ब्लैक डे, ऑप्शन सी ब्रदरहुड डे, ऑप्शन डी सॉलिडेरिटी डे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड का आंसर बताओ, और सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सुमन कुमारी का आंसर है डी, क्रिस्टोफर का बी। तो क्रिस्टोफर और सुमन और राहुल सभी एक ए से जेड सभी बच्चों ने सही गलत जवाब दिया है। करेक्ट आंसर इज राखी बंधन डे। ठीक है, राखी बंधन डे इज द करेक्ट आंसर। आप सभी को मालूम है कि 20 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन, जो उस टाइम के वॉइसरॉय थे इंडिया के, लॉर्ड कर्जन, उन्होंने अनाउंस किया था बंगाल का पार्टीशन। देखिए, एक दो डेट पूछी जाती है, एक तो 20 जुलाई 1905 है जब अनाउंस किया गया, और दूसरी डेट है 16 अक्टूबर 1905 जब आपका सेपरेशन कर दिया गया, पार्टीशन कर दिया गया। तो 20 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो अनाउंसमेंट की थी आपकी पार्टीशन ऑफ बंगाल की, ठीक है, तो उस टाइम की वो क्या थे, वॉइसरॉय थे इंडिया के। ठीक है, लेकिन जब इसका पार्टीशन हुआ 16 अक्टूबर 1905 में, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने कहा कि हम इसको राखी बंधन डे के तौर पे मनाएंगे, क्योंकि ये हमारे हिंदू और मुस्लिम के बीच में ब्रदरहुड को और ज्यादा मजबूत करेगा, भाईचारे को और ज्यादा मजबूत करेगा, इसीलिए हम इसको राखी बंधन डे के तौर पे मनाएंगे। तो इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। तभी मनाया गया, नहीं मनाया गया, वो नहीं पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा। आपसे केवल रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहा है ना यहाँ पे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ही तो ये नहीं बोल देंगे ना कि इसको राखी बंधन डे भी मनाओ, ब्लैक डे भी मनाओ, ब्रदरहुड डे भी मनाओ और सॉलिडेरिटी डे भी मनाओ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तख्त हरमंदिर साहिब द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटी। तख्त हरमंदिर साहिब गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए रोपड़ में, ऑप्शन बी अमृतसर में, ऑप्शन सी पटना में, या ऑप्शन डी भटिंडा में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो मोनिका फर्नांडिस का आंसर है अमृतसर, रिया राजपूत का बी, राणा विवेक का बी, और सभी का जवाब गलत है। करेक्ट आंसर इज सी पटना। ठीक है, जो आपका आपका तख्त हरमंदिर साहिब है ये आपके पटना में है, जिसको कि पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसको कि आप पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था, जो कि तख्त हरमंदिर साहिब है। इनका जन्म एस गुरु गोविंद राय के तौर पे हुआ था 22 दिसंबर, सॉरी, इनका जन्म जो हुआ था, ये गोविंद राय इनका नाम था, 22 दिसंबर 1666 में इनका जन्म हुआ था पटना साहिब में, और इनको मरवाया था वजीर खान ने। ठीक है, इनको मरवाया किसने था, वजीर खान ने इनको मरवाया था, किसको भेज करके, जमशेद खान को, जमशेद खान एंड वासिल बेग, जमशेद खान और वासिल बेग को भेज करके वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह को मरवाया था। कब मरवाया था ये भी पूछा जाता है, इनको मरवाया गया था 7 अक्टूबर 1708 में। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था 22 दिसंबर 1666 में, उनका नाम गोविंद राय था, और उनको मरवाया गया था वजीर खान के द्वारा। वजीर खान ने दो लोगों को भेजा था, जमशेद खान को और वसील बेग को, 7 अक्टूबर 1708 को, और उन दोनों ने उनकी हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो लॉन्च अ होम रूल लीग मूवमेंट इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किसने एनी बेसेंट के अलावा भारत में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की। ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी अरविंदो घोष ने, या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ,
क्रिस्टोफर का फिफ्थ का बी है, जिम सोल का भी बी है, कामेश का भी बी है, सभी का जवाब बी है, बी इज द करेक्ट आंसर। जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने पहला होम रूल लीग बेलगांव में लॉन्च किया था, ठीक है, इन्होंने पहला होम रूल लीग बेलगांव में लॉन्च किया था अप्रैल 1916 में। कब किया था? अप्रैल 1916 में। और जो आपकी एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट, इन्होंने जो होम रूल, दूसरा होम रूल लीग स्टैब्लिश किया था, उन्होंने किया था वो 13 सितंबर 1916 में, ठीक है, कहाँ पे? आदियार मद्रास में, आदियार मद्रास में, ठीक है, समझ में आया? तो पहला होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में लॉन्च किया था, और दूसरा जो आपका होम रूल लीग था तो वो आपके एनी बेसेंट ने सितंबर में 1916 में आदियार मद्रास में लॉन्च किया था। तो इसका सही जवाब होगा बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इमर्ज एज एन ऑफशूट टू अंशुलियन समिति। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंशुलियन समिति की शाखा के रूप में उभरा? ऑप्शन ए होम रूल मूवमेंट, ऑप्शन बी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, या ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्रिस्टोफर का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी है, रिया राजपूत का भी डी है, और क्रिस्टोफर एंड रिया आप दोनों का जवाब बिल्कुल ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इज द करेक्ट आंसर। जो आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसकी खोज की गई थी 1923 में, ठीक है, किसके द्वारा? सचिंद्रनाथ सन्याल एंड जोगेश चंद्र चैटर्जी के द्वारा, जोगेश चंद्र चैटर्जी के द्वारा, ठीक है। 1923 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी सचिंद्रनाथ सयाल एंड जोगेश चंद्र चैटर्जी के द्वारा, कहाँ पे? बनारस में, बनारस में। और आप लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी के बारे में सुना होगा, काकोरी काकोरी ट्रेन रॉबरी, ट्रेन रॉबरी। तो जो काकोरी ट्रेन रॉबरी था वो भी कंडक्ट किसने करवाया था? होम रूल लीग ने ही कंडक्ट करवाया था। कब कंडक्ट करवाया था इसको? 9 अगस्त 1925, ठीक है। तो 9 अगस्त 1925 में जो आपका काकोरी ट्रेन रॉबरी हुआ था वो आपके किसने कंडक्ट करवाया था? होम रूल लीग ने ही इसको कंडक्ट करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस कोमागाटा मारू स्टार्टेड इट्स जर्नी। निम्नलिखित में से किस स्थान में कोमागाटा मारू ने अपनी यात्रा शुरू की? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी सिंगापुर, या ऑप्शन डी हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, और सारे स्टूडेंट एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से कर दो। तो यहाँ पे सभी का जवाब है ए बी सी, ए बी सी कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज डी, हांगकांग। तो कोमागाटा मारू जो है, कोमागाटा मारू एक जापानीज स्टीमशिप था, ठीक है, जापानीज स्टीमशिप, यानी एक ये शिप था जो कि 23 मई 1914 ब्रिटिश से रवाना हुआ था, ब्रिटिश से ये रवाना हुआ था, और इसमें टोटल 376 भारतीय यात्री थे, जिसमें से 352 यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं थी। और जब ये कलकत्ता पहुंचा, बज बज कलकत्ता पहुंचा ये शिप, बज बज कलकत्ता जब ये पहुंचा, तो उसमें से जितने भी लोग थे शिप के अंदर, उन सभी को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। तो 17 सितंबर को जब ये कैलकटा पहुंचा था, तो उसमें जितने भी यात्री थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 23 मई 1914 को ये ब्रिटिश से रवाना हुआ था, 376 यात्री इसमें टोटल बैठे हुए थे, 352 को उसमें से उतरने की अनुमति नहीं दी गई थी, और बज बज कैलकटा में जितने भी यात्री थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8,
इन विच ईयर कांग्रेस रिकॉग्नाइज द मुस्लिम लीग एज द पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटिंग द मुस्लिम फॉर द फर्स्ट टाइम? कांग्रेस ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग को पहली बार मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी? ऑप्शन ए 1923 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1916 में, ऑप्शन डी 1914 में। तो राजेश का, क्रिस्टोफर का, सभी का सी है 1916, और आप सभी का जवाब बिल्कुल ठीक है 1916। तो आप सब जानते हैं कि जो 1916 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, ठीक है, तो आप लोगों को इतना भी मालूम है कि उस टाइम जो मुस्लिम पीपल थे तो मुस्लिम लोगों की पहले से ही डिमांड थी किसकी, सेपरेट इलेक्टोरेट की वो डिमांड कर रहे थे मुस्लिम, कब से, 1906 से ही। 1906 से जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसके बाद से ही मुस्लिम जितने भी थे उनकी डिमांड थी कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते हैं, लेकिन 1916 में इस चीज को मान्यता दे दी गई, इस चीज को ये कह दिया गया कि जो मुस्लिम है वो अपने धर्म को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने धर्म के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, ठीक है, तो इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द कंसेशन वॉज गिवन बाय द कांग्रेस टू मुस्लिम लीग इन एक्सेप्टेंस टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन 1916? निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को 1916 में पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति में रियायत दी गई? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कलकत्ता, या ऑप्शन डी इलाहाबाद। दोनों मान गए थे इस चीज में कि हाँ मुस्लिम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, अपना सेपरेट इलेक्टोरेट, तो दोनों में वो, हाँ आप इसको कह सकते हो, तो यहाँ पे बी और डी सबका आंसर आ रहा है। अभी अभी तो मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, लखनऊ सेशन में 1916 के लखनऊ सेशन में एक्सेप्टेंस हो गई थी आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की कि जो मुस्लिम का होगा वो सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, तो सी बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर लियाकत नेहरू पैक्ट वॉज साइंड? लियाकत नेहरू समझौता किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, या ऑप्शन डी 1949। सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दो, लग रहा है जैसे सारे कंजूस है आज यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी का जवाब है बी एंड डी, और बी और डी जिसका भी जवाब है दोनों ही गलत है, ठीक है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। करेक्ट आंसर इज 1950। जो लियाकत नेहरू पैक्ट है इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये दिल्ली पैक्ट भी इसको कहा जाता है, ये एक बायलेटरल ट्रीटी था, ठीक है, बायलेटरल ट्रीटी था किसके बीच में, नेहरू के बीच में और लियाकत खान के बीच में, लियाकत अली खान के बीच में, जो कि उस टाइम के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और नेहरू इंडिया के प्रधानमंत्री थे। तो ये दोनों जो, इन दोनों ने जो ये पैक्ट साइन किया था, इस पैक्ट में बेसिकली क्या था कि जितनी भी अपहरण की गई महिलाएं थी उनको छोड़ना, जितनी भी संपत्ति लूटी गई थी उनको वापस कर देना, ठीक है, जबरन आप किसी को धर्म उनका बदलवा नहीं सकते तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। और जो ये दोनों जो साइन किया गया, इसलिए भी साइन किया गया इन दोनों के द्वारा ये पैक्ट, कि जो युद्ध की बातें चल रही थी कि हिंदू इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध होगा उस युद्ध को टालने के लिए, ठीक है। तो जितनी भी महिलाओं का अपहरण किया गया था, जितनी भी प्रॉपर्टी संपत्तियां लूटी गई थी उनको वापस करने का इसमें बात की गई थी। इसके साथ ही साथ आप किसी का जबरदस्ती धर्म नहीं बदलवा सकते, इसकी बात की गई थी। और जो युद्ध होने की बात चल रही थी उसको टालने के लिए इस पैक्ट को साइन किया गया था 1950 में, और इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रेट रिवॉल्यूशनरी वॉज द ब्रेन बिहाइंड द चिटागोंग आर्मोरी रेड? बताओ जल्दी से। तो सभी का जवाब यहाँ पे सी डी, सूर्य। तो जिसने जिसने सूर्य सेन बोला है उन सभी का जवाब बिल्कुल ठीक है, सूर्य सेन इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो आपका चिटागोंग आर्मोरी रेड था, ये आपके 18 अप्रैल 1930 को हुआ था, और ये किसने कंडक्ट किया था, तो ये कंडक्ट करवाया था मेंबर ऑफ इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने,
रिपब्लिकन आर्मी ने, और जो ये सूर्या सेन थे ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था 1933 में 16 अप्रैल को इसीलिए, और इनको फांसी दे दी गई थी 12 जनवरी 1934 में, ठीक है, 12 जनवरी 1934 में इनको फांसी की सजा सुना दी गई थी, ठीक है, तो फांसी की सजा दे दी गई थी, सॉरी। तो 18 अप्रैल 1930 में चिटागोंग आर्मरी रेड हुआ था, कंडक्ट किया था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के मेंबर्स ने, जिसमें सूर्य सेन थे, उनको 1933 में गिरफ्तार किया गया और 12 जनवरी 1934 में उनको फांसी दी गई। क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी 12, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए राव तुलाराम, ऑप्शन बी दीपू जी राणा, ऑप्शन सी मूल बगल स्वामी, ऑप्शन डी सुरेंद्र साई। ओके सुमन, तो कपिल मीना का आंसर है ए, सौरभ का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर इज सी, मूल बगल स्वामी ने 1857 के विद्रोह में कोयम्बटूर की नेतृत्वता की थी और ये एक सन्यासी थे, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द ओनली वॉइसराय ऑफ इंडिया टू बी मर्डर्ड इन द ऑफिस बाय द पठान कन्विक्ट इन द अंडमान इन 1872। 1872 में एक पठान अपराधी द्वारा कार्यालय में हत्या करने वाले भारत के एकमात्र वॉइसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मायो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन या ऑप्शन डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो 13 का जेम्स होल का आंसर है डी, सौरभ का ए। जेम्स होल, तुमने इतने इजी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया, ये क्वेश्चन बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो भारत के क्या थे उस टाइम? वायसराय थे, ये आंदामान गए थे आंदामान इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है, आंदामान में ये गए थे इंस्पेक्शन के लिए 1872 में। 8 फरवरी को इनकी हत्या कर दी गई थी, किसके द्वारा? शेर अली अफरीदी के द्वारा, शेर अली अफरीदी के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी, कहाँ की गई थी, ये तीनों याद रखना है। तो लॉर्ड मायो की हत्या आंदामान में 8 फरवरी 1972 को शेर अली अफरीदी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर रोट चंद्रयान। निम्नलिखित में से किस लेखक ने चंद्रयान लिखी है? ऑप्शन ए मोतिम खान, मोतमित खान सॉरी, ऑप्शन बी मुला दाऊद, ऑप्शन सी अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन डी कमगर खान। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का भीष्म पितामह का आंसर बी है, क्रिस्टोफर का भी बी है, सौरभ का भी बी है, जिम्स होल का भी बी है, और आप सभी का जवाब बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो मुला दाऊद ने चंद्रयान लिखी थी, किस भाषा में लिखी थी इसमें इन्हों को? अवधी लैंग्वेज में, ठीक है, अवधी लैंग्वेज में उन्होंने चंद्रयान लिखी थी। ये एक लव स्टोरी थी, ये एक लव स्टोरी थी, किसकी किसकी? नोराक एंड चांद की, ठीक है, नोराक एंड चांद की लव स्टोरी थी चांदयान, जो कि अवधी लैंग्वेज में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा बॉम्बे एंड मद्रास वर एस्टैब्लिश्ड एज द आउटकम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके परिणाम के रूप में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? ऑप्शन ए इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ऑप्शन बी सर चार्ल्स वुड डिस्पैच, ऑप्शन सी हंटर कमीशन या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 15, तो भीष्म पितामह का 15 का ए, सौरभ का ए, क्रिस्टोफर का ए, आउटकम ऑफ पूछ रहा है ना, प्रकाश का बी, प्रकाश आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आउटकम ऑफ किसका रिजल्ट था, ठीक है, तो आंसर इज सर चार्ल्स वुड डिस्पैच, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी करेक्ट जवाब इसीलिए होगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो ये आपका सर चार्ल्स वुड डिस्पैच है उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, सॉरी, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो ये जो आपका सर चार्ल्स वुड डिस्पैच था, इसके अकॉर्डिंग आपके जितने भी प्रोविंस है वहां पे स्कूल होना चाहिए, जितने भी प्रोविंस है वहां पे एटलीस्ट एक गवर्नमेंट स्कूल हो, ठीक है, उसके अलावा आपके जितने भी जिला है वहां पे कम से कम एक क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, तो वहां पे पढ़ाई लिखाई को तवज्जो दी गई थी, इसीलिए सर चार्ल्स वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, और इसी के बाद आप इसी का आउटकम था कैलकटा बॉम्बे मद्रास का यूनिवर्सिटी, तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। सुमन कुमारी, मेरे पास सभी का कमेंट आ रहा है।
नंबर 16, ऑन फरवरी 18, 1911 द फर्स्ट कमर्शियल प्लेन फ्लू इन इंडिया बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग सिटी। 18 फरवरी 1911 में भारत में निम्नलिखित में से किस शहर के बीच पहला व्यावसायिक विमान उड़ा? ऑप्शन ए मुंबई एंड नासिक, ऑप्शन बी अलाहाबाद एंड नैनी, ऑप्शन सी मुंबई एंड पुणे या ऑप्शन डी आगरा एंड दिल्ली। तो भीष्म पितामह का आंसर है अलाहाबाद एंड नैनी। यहाँ पे सभी का आंसर बी एंड सी है। विवेक शर्मा, अच्छी बात है, अगर आप अपने टीचर को पसंद करोगे, उनसे प्यार करोगे, तो ही जाकर के आप उनके सब्जेक्ट से भी प्यार करोगे। तो अच्छी बात है, सभी बच्चों को अपने टीचर को पसंद करना चाहिए और अपने टीचर को सभी बच्चों को पसंद करना चाहिए। दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड होना चाहिए ताकि पढ़ाई लिखाई सबकी अच्छे से चले, ठीक है? तो इसलिए अभी पढ़ाई पे फिलहाल फोकस करो। यहाँ पे सभी का आंसर है बी, एंड बी इज द करेक्ट आंसर, अलाहाबाद एंड नैनी। तो 18 फरवरी 1911 में अलाहाबाद एंड नैनी के बीच में पहला कमर्शियल प्लेन उड़ा था जिसकी टोटल डिस्टेंस कवर की गई थी 9.7 किलोमीटर, ठीक है? 9.7 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस को कवर किया गया था 18 फरवरी 1911 में। क्वेश्चन नंबर 17, एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस नेशनल फ्लैग वॉज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी कोलकाता में या ऑप्शन डी नागपुर में। सही बात तो बोली है ना जॉर्डन, सैवेज क्या है इसमें, सही बात है। यहाँ पे सभी का आंसर है बी एंड सी, करेक्ट आंसर बी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है? तो पहली बार जो आपके राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था वो फहराया गया था 7 अगस्त 1906 में पारसी स्क्वायर कैलकाटा में, ठीक है? पारसी स्क्वायर कैलकाटा में आपके 7 अगस्त 1906 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। और तब जो आपका राष्ट्रीय ध्वज था वो तीन कलर में था, तीन स्ट्रिप लाइन में था, रेड येलो एंड ग्रीन कलर में, ठीक है? रेड येलो एंड ग्रीन कलर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, बिफोर महात्मा गांधी हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिवाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस बाय द लीडिंग अ नो रेंट कैंपेन द फॉर्म ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एज इट वुड ब्रीच द लीगल ऑब्लिगेशन एंड विल बी द डायरेक्ट डिफेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। बताइए क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 का सभी का ए एंड सी। तो जो बच्चे सी बोल रहे हो ये बिल्कुल गलत है, करेक्ट आंसर इज ए, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे पूछा गया है कि महात्मा गांधी से पहले नो रेंट कैंपेन किसने स्टार्ट किया था? तो महात्मा गांधी से पहले नो रेंट कैंपेन बाल गंगाधर तिलक ने 1896 में स्टार्ट किया था, ठीक है? आप लोग जानते हैं कि 1896 में अकाल आया था, ठीक है? अकाल के कारण 1896 में बाल गंगाधर तिलक ने सभी लोगों को कहा और इसके पैम्पलेट भी बंटवाए कि आपको रेंट नहीं देना है। तो नो रेंट कैंपेन सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1896 में स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज फॉर द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत में सत्याग्रह का पहला उदाहरण देखा गया? ऑप्शन ए चंपारण में, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी खेड़ा में या ऑप्शन डी अहमदाबाद में। क्रिस्टोफर का आंसर ए है, सौरभ का आंसर ए है, कामेश का आंसर ए है, सभी का आंसर ए है। पहला इंस्टेंस कहाँ देखा गया था? चंजी आपका नाम है, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ क्या? जी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर। अहमदाबाद में पहला इंस्टांस देखा गया था सत्याग्रह का। आप लोग जानते हैं कि बिहार का जो चंपारण था, बिहार के चंपारण में जो आपके फार्मर्स थे, तो इंडिगो प्लांटर्स जो थे उनको ना फोर्स किया जाता था कि आपको 3 कट्ठे में, यानी 3 कट्ठा में, आप लोग जानते होंगे कि बिहार के जो बच्चे हैं वो तो जानते ही होंगे, जो बाहर के बच्चे हैं उन लोगों को बता दूं कि बिहार में 1 बीघा, 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा,
ठीक है, 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है। तो बिहार में जितने भी लोग थे जिनके पास जमीन थी, उनको फोर्स किया जाता था कि आपको 1 बीघे में से यानी कि 20 कट्ठे में से 3 पार्ट में क्या लगाना है, इंडिगो लगाना है। ठीक है, 3 पार्ट में आपको इंडिगो लगाना है, इसीलिए इसको 3 कठिया सिस्टम भी कहा जाता था, इसलिए इसको 3 कठिया सिस्टम भी कहा जाता था। तो जो आपके राजकुमार शुक्ला थे, राजकुमार शुक्ला, उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि वो इंटरवीन करे इस मामले में कि इतना जो फार्मर को फोर्स किया जाता है कि आप 3/20 पार्ट में इंडिगो लगाएंगे। तो इसीलिए गांधी जी ने मार्च 1918 में स्ट्राइक किया था अहमदाबाद कॉटन मिल के अंदर, अहमदाबाद कॉटन मिल के अंदर। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन और ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी का पहला फास्ट ऑन टू डेथ कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो गांधी जी का पहला फास्ट ऑन टू डेथ स्टार्ट हुआ था अहमदाबाद में ही। गांधी जी ने टोटल 17 अनशन किए थे, 17 में से जो पहला अनशन था उनका फास्ट ऑन टू डेथ, इनको कहते हैं अनशन को, ये पहला उन्होंने अनशन किया था अहमदाबाद में ही। ठीक है, समझ में आया? तो आंसर इसका करेक्ट डी होगा। ठीक है, अरे पहला आपके चंपारण में जो हुआ था, चंपारण के फार्मर्स के साथ जो हो रहा था, तो उसके लिए उन्होंने स्ट्राइक किया था अहमदाबाद में। तो आपसे पूछा गया है कि पहला इंस्टांस आपको कहाँ देखने को मिला, तो पहला इंस्टांस इसका आपको अहमदाबाद में कॉटन मिल में देखने को मिला मार्च 1918 में। तो करेक्ट आंसर इज डी, अहमदाबाद, नॉट चंपारण। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। तो फास्ट ऑन टू डेथ का मतलब होता है अनशन, तो पहला अनशन भी अहमदाबाद में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इकबाल खान को, ऑप्शन बी हसरत मोहानी को, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफार खान को, या ऑप्शन डी मौलाना अबुल आजाद कलाम आजाद को। क्वेश्चन नंबर 20, तो सभी का जवाब है सी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। तो खान, अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है क्योंकि एक तो उनका शांतिवाद स्वभाव था, ठीक है, एक तो बहुत ही ज्यादा शांत आदमी थे, दूसरा उनके गांधी के साथ बहुत ही ज्यादा गहरे संबंध थे, घनिष्ठ संबंध थे, इसलिए उनको खान, अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूपी सभा 1918। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 के गठन से संबंधित है? ऑप्शन ए गौरी शंकर मिश्रा, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी इंदिरा नारायण द्विवेदी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 21, कोई बात नहीं विवेक, मेरे चेहरे को तुम अच्छे से देखो, ठीक है, क्या पता तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछ ले कि मैम की शक्ल कैसी है, उसका पोर्ट्रेट बना दो। क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ पे सभी का जवाब है डी और आप सभी का जवाब बिल्कुल ठीक है, 21 का डी। तो जो आपका यूपी किसान सभा है, इसको स्टैब्लिश किया गया था लखनऊ में, ठीक है, इसके द्वारा होम रूल लीग के एक्टिव मेंबर के द्वारा, एक्टिव मेंबर के द्वारा, होम रूल के एक्टिव मेंबर के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था यूपी किसान सभा को 1918 में। और आपके इसके टोटल 450 ब्रांच, 173 तहसील में 1919 के मिड तक स्टार्ट कर दिए गए थे। क्वेश्चन प्रकाश, मैं तुमको ये समझाऊंगी अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फाउंडेड बाय हुम इन 1936 एट लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए EMS नंबूदिरीपद, ऑप्शन बी शहनवाज सरस्वती, ऑप्शन सी एन जी रंगा, या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 22, और सारे बच्चे एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए। तो आर्यन राज का है सरस्वती, और आर्यन राज तुम्हारा आंसर आते ही तुमने एकदम सही आंसर दिया है, शहनवाज शाहजहां नंद सरस्वती इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने ये स्टार्ट किया था, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीजेंट किसानों का मूवमेंट माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ चोला एम्पायर इज क्रेडिटेड विद द कंकरिंग द श्री विजय एम्पायर ऑफ शैलेंद्र रूलर बाय द सेंडिंग अ नेवल एक्सपीडिशन। चोल साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किस नौसैनिक अभियान भेजकर शैलेंद्र शासकों की श्री विजय साम्राज्य को जीतने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए राजेंद्र फर्स्ट को, ऑप्शन बी राजा राजा चोला फर्स्ट को, ऑप्शन सी विक्रम चोला को, या ऑप्शन डी कुलोतुंगा फर्स्ट को। तो आर्यन का राजा राजा, कौरव का बी, राणा का बी, सभी का बी है, दीपक शाह का आंसर ए है, और दीपक आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर डिड तेभागा मूवमेंट टुक प्लेस इन 1946? 1976 में तेभागा आंदोलन कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए अवध में, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी आंध्रा में, या ऑप्शन डी लखनऊ में। जल्दी से दिल खोल के सारे बच्चे सेशन को लाइक करो, ठीक है? तो यहाँ पे सभी का जवाब आ रहा है बंगाल, और कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है आंध्रा। तो आंध्रा नहीं होगा, करेक्ट आंसर इज बंगाल, ठीक है? देखिए जो तेभागा मूवमेंट था ना, तेभागा मूवमेंट का मतलब, तेभागा का मतलब आप समझ रहे हो तीन पार्ट, ठीक है? तो तेभागा मूवमेंट जो था ये बंगाल में शुरू किया गया था शेयर क्रॉपर्स के द्वारा, ठीक है, शेयर क्रॉपर्स के द्वारा। तो बंगाल में जितने भी जोटेदार होते थे, जोटेदार्स क्या होते हैं, जितने भी रईस जमींदार वगैरह लोग होते थे, तो उसमें को बंगाल में जोटेदार्स कहा जाता था। तो बंगाल के जोटेदार्स जो थे वो शेयर क्रॉपर्स है, उनका जो फसल होती थी उसका आधा हिस्सा ले लेते थे, ठीक है? तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं था, तो इसीलिए वहां के जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे उन्होंने तेभागा मूवमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि हम हाफ हिस्सा तो नहीं देंगे, हम एक तिहाई हिस्सा देंगे, ठीक है? तो ये जो तेभागा मूवमेंट है इसको आपके स्ट्रगल ऑफ पीजेंट भी कहा जाता है, कि जो किसानों थे उनका कितना ज्यादा स्ट्रगल उस टाइम होता था, ये भी इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो उन्होंने कहा था कि हम हाफ हिस्सा नहीं दे सकते, हम एक तिहाई हिस्सा दे देंगे, ठीक है, जोटेदार्स को। क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर पंजाब केसरी? पंजाब केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए लाला जगत नारायण, ऑप्शन बी सरदार अजीत सिंह, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, या ऑप्शन डी नन। नवीन सैनी का आंसर है ए, सौरभ का भी आंसर है ए, एंड ए इज द करेक्ट आंसर। लाला जगत नारायण पंजाब केसरी के क्या थे, एडिटर थे। पंजाब केसरी जो फाउंड हुआ था 1965 में ही हुआ था, और इसको किसने फाउंड किया था, लाला जगत नारायण ने ही, ठीक है, लाला जगत नारायण ने ही पंजाब केसरी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, जो कि एक हिंदी समाचार, और ये हिंदी समाचार ग्रुप के क्या थे, फाउंडर भी थे, ठीक है। लाला जगत नारायण को ही हिंदी समाचार ग्रुप का फाउंडर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, हिंदी समाचार ग्रुप का फाउंडर भी कौन थे, लाला जगत नारायण। क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर प्रेस फ्री प्रेस जर्नल? फ्री प्रेस जर्नल समाचार पत्र के संस्थापक संपादक कौन थे? ऑप्शन ए सरदार जगत सिंह, ऑप्शन बी के एम पनिकर, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, या ऑप्शन डी एस सदानंद। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, तो सभी का आंसर बी है, और सभी का आंसर बी गलत है, ठीक है। जो फाउंडर एडिटर थे, फाउंडर एडिटर पूछ रहा है फ्री प्रेस जर्नल के, वो थे आपके एस सदानंद, यानी कि स्वामीनाथन, स्वामीनाथन सदानंद, इनका पूरा नाम था स्वामीनाथन सदानंद। इन्होंने ये स्टार्ट कब किया था, 1928 में, 1928 में। क्वेश्चन नंबर 27, हु अनाउंस द कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932? अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसने की? ऑप्शन ए क्लीमेंट एटली, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी मैकडोनल्ड, या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए अभी ना मैं 30 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, 50 में से 30 क्वेश्चंस, ठीक है। जो बाकी के आपके 20 क्वेश्चंस है वो मैं आपको शाम को 7 PM पे करवाऊंगी, ठीक है, यही कंटिन्यू चलेगा, शाम को 7 PM पे मैं करवाऊंगी आपको बाकी का। यहाँ पे समय सभी का आंसर है सी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपके रमसे मैकडोनल्ड ने स्टार्ट किया था कम्युनल अवार्ड 1932 में, ठीक है, किसके लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, ठीक है,
ये रिप्रेजेंट कर रहे थे माइनॉरिटी सेपरेट को, इलेक्टोरेट को, जो कि आपके जितने भी सिख थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, ठीक है, एंग्लो इंडियन थे, उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द रूलर ऑफ कैलिकट व्हेन वास्को डी गामा अराइव्ड इन इंडिया विथ थ्री शिप्स। जब वास्को डी गामा तीन जहाजों के साथ भारत आया था तो कैलिकट का शासक कौन था? ऑप्शन ए जमोरिन, ऑप्शन बी कैबरल, ऑप्शन सी आदिल शाह, या ऑप्शन डी अब्दुल मजीद। क्वेश्चन नंबर 28, तो आर्यन का आंसर है जमुरिन, जिम सोल का आंसर भी जमुरिन, अभिषेक तो अभिषेक का भी जमुरिन, एंड जमुरिन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जमुरिन को पेन ही नहीं चल रहा, जमुरिन को सामुथ्री भी कहा जाता है। ठीक है, सामुथ्री भी कहा जाता है जमुरिन को। तो जो वास्को डा गामा थे वो 20 मई 1498 में भारत आए थे। ये पहले यूरोपियन थे, फर्स्ट यूरोपियन थे जो भारत आए थे 1498 में। और जो जमुरिन थे उन्होंने इनका बहुत ही फ्रेंडली वेलकम किया था, ठीक है, जब ये आए थे भारत। जो कैलिकट है, कैलिकट कहाँ पे है? आपके केरला में है, जो प्रेजेंट डे का कोजीकोड़े है। ठीक है, प्रेजेंट डे का कोजीकोड़े ही आपका कैलिकट था। क्वेश्चन नंबर 29, पेड्रो एल्वारेस काब्रल केम टू इंडिया इन 1500 विद द एम ऑफ ट्रेड ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। पेड्रो एल्वारेस कैब्रल निम्नलिखित में से किसके व्यापार के उद्देश्य से 1500 में भारत आया था? ऑप्शन ए स्पाइसेस, ऑप्शन बी पेपर, ऑप्शन सी बोथ, ही ऑप्शन डी नन। क्रिस्टोफर मतलब कामेश होगा वो, मैं बता दूंगी जब होगा चेंज। और सारे बच्चे एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो यहाँ पे सभी का जवाब यहाँ पे बोथ, एंड बोथ इज द करेक्ट आंसर। तो जो आपके पेड्रो एल्वारेस है वो स्पाइसेस और पेपर के लिए ट्रेड करने के लिए भारत आए थे, ठीक है, और ये इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी कैलीकट में अपनी, स्पाइसेस एंड पेपर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ईयर नवाब ऑफ अवध ट्रांसफर्ड बनारस टू कंपनी। अवध के नवाब ने किस वर्ष बनारस की कंपनी का स्थानांतरित कर दिया था? ऑप्शन ए 1801 में, ऑप्शन बी 1872 में, ऑप्शन सी 1775 में, सॉरी ऑप्शन डी 1873 में। क्वेश्चन नंबर 30, मैंने सब जगह 1800 बोल दिया है, 1700 है वो। क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 का सभी का जवाब 73, 72, 73, 72, करेक्ट आंसर इज 75। ठीक है, नवाब ऑफ अवध ने ट्रांसफर कब किया था बनारस को, कंपनी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो 1775 में किया था, जब चेत सिंह कंट्रोल में आ गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। और चेत सिंह के जो फादर थे बलवंत सिंह, वो आपके बनारस के क्या थे? पहले राजा थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, कॉर्नवालिस वाज रीअपॉइंटेड एज अ गवर्नर जनरल इन विच ईयर आफ्टर हिज डिपार्चर इन 1793। 1793 में उनके जाने के बाद कॉर्नवालिस को किस वर्ष गवर्नर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1801, ऑप्शन सी 1805, या ऑप्शन डी 1803। अभिषेक द्विवेदी, आर्यन का 1803, क्रिस्टोफर का 1805। क्रिस्टोफर आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, 1805 में। ठीक है, आज का आप लोगों का क्वेश्चन है जो आप मुझे आफ्टर क्लास कमेंट में बताएंगे, जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप लोग जानते हैं कि कॉर्नवालिस को दोबारा से रीअपॉइंट किया गया 1805 में। आप लोगों को ये बताना है कि पहले इनको अपॉइंट कब किया गया था, किस ईयर में, किस ईयर में इनको पहले अपॉइंट किया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आफ्टर क्लास बताएंगे। तो 1805 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, हु सेट द ट्रीटी ऑफ मराठा विद मुगल इन द इज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इमर्जेंस ऑफ द मराठा एम्पायर। किसने कहा कि मुगलों के साथ मराठा की संधि मराठा साम्राज्य के उदय का मैग्ना कार्टा है? क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, सभी का जवाब ए एंड बी। तो जिसका आंसर बी है, बी इज द करेक्ट आंसर। सर रिचर्ड टेम्पल ने कहा था कि जो ट्रीटी हुई थी मराठा और मुगल के बीच में 1714 में, 1714 में वो मैग्ना कार्टा साबित हुई किसके लिए?
मराठा एम्पायर के लिए, क्योंकि इसके बाद मुगलों का जो कंट्रोल था वो डेक्कन टेरिटरी से वो खत्म हो गया था, ठीक है, कम होने लग गया था, खत्म होने लग गया था। क्वेश्चन नंबर 33, द मराठा पावर रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग पेशवा, निम्नलिखित में से किस पेशवा के समय मराठा शक्ति को अपने चरमों उत्कर्ष में पर पहुंच गई थी। ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव सेकेंड, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव या ऑप्शन डी बाजीराव फर्स्ट। और जितने भी बच्चे क्लास में अभी प्रेजेंट है, आप सभी को एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ब्लू कलर का, उस लिंक पे क्लिक करिए। वो आज की स्पेशल क्लास का लिंक है जो कि 5:25 पे स्टार्ट होगा। आज स्पेशल क्लास आपकी आधे घंटे लेट स्टार्ट होगी क्योंकि मैं क्लास को शेड्यूल करना भूल गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका भी आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर, बालाजी बाजीराव इज द करेक्ट आंसर। और जब ये क्लाइमेक्स में था तो ऑब्वियसली इसी टाइम उनका पतन भी हुआ होगा, तो सी बिल्कुल सही जवाब है। अभी के लिए इतना ही है, जो 17 क्वेश्चन बाकी है वो मैं आपको बाद में करवाती हूँ, और मैं पीडीएफ इसका सेंड कर दूंगी क्योंकि अभी मेरी अगली क्लास भी होगी, ठीक है। तो रिपोर्ट एंड विन, अगर आपको कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। जल्दी से सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगली क्लास आपकी 5:25 पे होगी, जिसका मैंने लिंक पिन किया हुआ है कमेंट सेक्शन पे, तो उस लिंक पे क्लिक करके सारे बच्चे एनरोल कर लो, 7:25 पे दोबारा क्लास को ज्वाइन कर लेना अनअकैडमी के ऐप पे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही था, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।